अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेसिफिकली ताकि एड्रेस किया जा सके कि जो मैं आजकल वीडियोस किस तरह से चल रही हैं और आगे मेरा थोड़े मतलब कुछ अगले अरसे में क्या प्लान है थर्ड और फोर्थ ईयर की वीडियो से रिलेटेड। असल में इसका मकसद बनाने का वहाँ से शुरू हुआ है कि मैंने देखा कि कमेंट्स में वीडियोज़ के कुछ थर्ड और फोर्थ ईयर वाले ना काफ़ी आपस में थोड़े से हार्श और थोड़े से रूड होते हुए मुझे नज़र आ रहे थे, तो मुझे वो बिल्कुल बात ज़रा मुनासिब नहीं लगी कि आप लोगों को मेरा अगर क्लियर होगा प्लान तो आपके लिए शायद आसानी होगी फॉलो भी करना और आपको कोई मसला भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सब स्टूडेंट्स मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी का ताल्लुक थर्ड ईयर से है, चाहे फोर्थ ईयर से है, चाहे फर्स्ट सेकंड है, फाइनल ईयर है, या चाहे एमबीबीएस का कोई ईयर नहीं है, कोई और स्पेशलिटी व्हाट एवर यू आर डूइंग, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो मेरा चैनल देख रहा है वो मेरे लिए सबके सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम कि मैं आप लोगों की जितनी रिक्वेस्ट्स होती हैं वीडियोज़ बनाने से रिलेटेड मैं सबकी सब पूरी करूँ, और डेफिनेटली मैं हर रिक्वेस्ट को कई बार आंसर नहीं कर पाती, मतलब मैं उसको जवाब नहीं दे पाती। उसकी वजह ये होती है कि आप जाहिर सी बात है कि कहीं कुछ मिस हो जाता है, कभी आप बिजी होते हो, लेकिन मैं देखती सारी की सारी हूँ और मेरे पास नोट डाउन होता है कि मैंने किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्स देना है। तो इस वजह से हर बंदा मेरे लिए इक्वल ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स इस वक्त उन्हें अगर ये लग रहा होता है कि शायद मैं फार्मा की वीडियोज थोड़ी सी डिले करके अपलोड कर रही हूँ, फोर्थ ईयर की ज्यादा कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी कोई उनसे पर्सनल ग्रजेज है और किसी से पर्सनल अटैचमेंट है। प्रॉब्लम थोड़ी सी बस ये थी कि थर्ड ईयर की वीडियोस लास्ट ईयर उसूलन अपलोड होनी चाहिए थी 2019 में, जो थोड़े से मसले की वजह से मैं नहीं कर पाई। थोड़ा सा इशू मेरी तरफ से था कि थर्ड ईयर की वीडियोस उस वक्त नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा डिले आ गया। इस साल अब मैं दोनों चीज़ें साथ साथ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कुछ करना मतलब मैक्सिमम मैं करती हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं एक दिन में 3-4-5 कम से कम वीडियोज़ अपलोड करूँ, लेकिन फिर उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज डिफरेंट काम, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो फिर उस इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही होती। फार्माकोलॉजी या थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ कि वो थोड़ी सी कम इस वजह से जा रही है क्योंकि उसके लिए मुझे दोबारा से उसे गो थ्रू करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है मेरे लिए, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी देर हो जाती है उसे अपलोड करते हुए, वरना मेरी एफर्ट मैं अपनी मैक्सिमम करती हूँ कि मैं वो भी अपलोड कर दूँ। तो इस वजह से आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अभी जो कीमोथेरेपी स्टार्ट की हुई है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज, और उसके अलावा जो CVS की प्लेलिस्ट इनकम्प्लीट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके दो चैप्टर्स रहते हैं फार्माकोलॉजी की। उसके अलावा आपकी जो अगर टाइम हुआ तो CNS फार्माकोलॉजी मैं कवर कराऊंगी, वरना शायद मुझसे मतलब इतनी जल्दी ना हो पाए बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों का प्रॉफ सबसे पहले है, फोर्थ ईयर का बाद में है, अच्छे से मैं जानती हूँ ये बात। तो अगर मैं टाइम निकाल सकी और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं करूँ तो मैं CNS फार्माकोलॉजी भी कवर कराऊंगी एंड आई विल ट्राई माय मैक्सिमम, मैं करती रहूँगी उसे कवर, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा पेस उतनी तेज़ नहीं हो पाएगी मुझसे बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। और फोर्थ ईयर का मैं सिलेबस कवर करा रही हूँ वो भी अपनी मैक्सिमम एफर्ट से कि जितना हो सके, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना किसी भी बात के बारे में कि वीडियो अपलोड नहीं होगी या मैं देखती नहीं या मैं जवाब नहीं देती, हर चीज़ मेरी नज़रों के सामने होती है। इसीलिए जो थोड़ी सी मुझे हिच नज़र आई कमेंट बॉक्स में इन माय वीडियोज़ जो आजकल चल रही थी, तो मैंने कहा उसको एड्रेस कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो और आप लोग आराम से पढ़ भी सकें और वीडियो से जितना अल्लाह ताला की रहमत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं आपको मिल सके। मेरी तो दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। मेरी तरफ़ से जो नॉलेज मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँच सके और आपको उससे बहुत अच्छे लिहाज में फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा अच्छा पढ़ते रहें, अल्लाह हाफिज़।